रिलेटिविटी की थ्योरी के अंदर पता चलेगा तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव होगी सारा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक, जो कि 12th स्टैंडर्ड बिगिनिंग से हम लोग लेने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड का एक एक टॉपिक हम लोग यहाँ से डिस्कस करते जाएंगे और आपको यहाँ पे देखने को, यानी जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, टॉपिक सर्च करके आप स्टडी बड़ी आराम से देख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, किस तरीके से चार्ज की डिस्कवरी की गई है और क्या इसके यूजेज हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जब हम अगर हिस्ट्री में जाएँ तो हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रेविटी का रूल हुआ करता था, जिसे हम बोलते थे न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, जी एफ इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो बात है हम लगभग 1665 के आजू बाजू की बात है, यानी उस टाइम तक हमें चार्ज के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था। डिस्कवरीज आई थी लेकिन लोग इतना फैक्ट यानी कुछ आइडिया नहीं था चार्ज के बारे में। 1600 में हमें मास के बारे में, यानी मास के बारे में पता चल चुका था, यानी उसके पहले भी पता था, लेकिन ग्रेविटी मास पे किस तरह काम करती है ये हमें न्यूटन ने बता दिया था, जिसे हम न्यूटन्स या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल बोलते हैं। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1600 से लगभग 150-200 साल के बाद ये चार्ज को लेकर क्या डिस्कशन चलने लगा कि चार्ज एक मैटर के अंदर एक कुछ नई प्रॉपर्टी है, नया नेचर है, नई प्रॉपर्टी है, तो उसकी डिस्कवरी के लिए बातचीत चली। तो जब देखा गया कि एटम जो है वो कंसिस्ट है तीन पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब एटम तीन पार्टिकल्स से कंसिस्ट है तो इन पार्टिकल्स के मास फाइंड आउट कर लिए गए, और मास जब यहाँ पे देखा गया कि दो इलेक्ट्रॉन को रखा जाए या दो प्रोटॉन को रखा जाए या फिर हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को रखा जाए या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन को रखा जाए या फिर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को रखा जाए या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकते थे इनके अरेंजमेंट के, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, प्रोटॉन प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ, या फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के साथ और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ। यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट किया ग्रेविटेशनल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की जब बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे पास था क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास था gm1m2r², लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी के अलावा कुछ नया मिला। यहाँ पे हमें कुछ नया मिलता है, यहाँ पे भी हमें कुछ नया मिलता है, यहाँ पे एक नया, यानी एक नया फोर्स का यहाँ पे क्या हो रहा था, देखने को मिल रहा था, आप कह सकते हो वर्थ हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से था लेकिन हमने भी इसको पहली बार देखा तो हमें कुछ नया लग रहा था। तो यहाँ पे कुछ नया, यहाँ पे कुछ नया, यहाँ पे जो कि ग्रेविटेशनल तो जो हमें था वो तो था ही, साथ में कुछ नया मिल रहा था, लेकिन यहाँ इन केसेस में केवल ग्रेविटेशनल था जो नया वैल्यू था, यानी जो नया फोर्स था वो यहाँ पे नहीं था। यहाँ से लोगों के दिमाग में चलने लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कौन कंटेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जब उस चीज के बारे में और स्टडी किया गया तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया गया, चार्ज बोल दिया। तो यानी मटेरियल की अंदर जो हमारे पास मटेरियल होता है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी एक पाई गई नई प्रॉपर्टी, उसे हमने क्या बोला, चार्ज बोला। जो कि एक्चुअल में प्रॉपर्टी किसकी है, पार्टिकल्स की है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है, इट इज़ प्रॉपर्टी एसोसिएट विद द मैटर, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसके साथ एसोसिएट है, मैटर के साथ, मटेरियल के साथ, विच इज ड्यू टू विच प्रोड्यूस, यानी किसकी वजह से वो क्या हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। यानी हर मैटर, हर चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है, उसी से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है। और जहाँ एटम होगा वहाँ पे क्या होगा, एटम के पार्टिकल्स होंगे, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी जिससे वो बना हुआ है वही उस वो प्रॉपर्टी, या फिर उसी के साथ क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी चार्ज एक और बिहेवियर को शो करता है, कौन सा बिहेवियर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच अ फोर्स, हम कह सकते हैं अदर देन, यानी ग्रेविटी से हटके क्या लगे, एक फोर्स लगे, उस प्रॉपर्टी जो कि नए फोर्स को क्या दे रही है, बर्थ दे रही है, वजह हो रही है, उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है।
इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि पाया जाएगा किस किस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, यानी जो पिछले वाली हमने स्लाइड में देखा था, यानी हमने क्या देखा कि यहाँ पे वो नया फोर्स हमें देखने को मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला, नया फोर्स देखने को मिला, यहाँ पे नया फोर्स देखने को मिला, यानी चार्ज केवल और केवल किस में पाया गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी हो गया किसी भी मटेरियल की, जो कि उसके पार्टिकल्स, आप कह सकते हो मटेरियल जो कि एटम से बना होता है, और एटम किससे बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर दो पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहां पे जो कि क्या करेंगे, कॉजेस ऑफ चार्ज करेंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो जो नया फोर्स मिला था इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जो नया फोर्स मिला, उस फोर्स की जो वैल्यू थी वही वैल्यू सेम टू सेम किसके लिए थी, प्रोटॉन के लिए थी। यानी अगर मैं इस न्यू वैल्यू के, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कुछ भी बोलता हूं, उतनी वैल्यू किसकी पाई गई है, प्रोटॉन की वैल्यू पाई गई। यहां फिर कंफ्यूजन पैदा हो गया, तो भाई जितनी वैल्यू इलेक्ट्रॉन में जो नया फोर्स मिल रहा था, उतनी वैल्यू किस में मिल रहा है, प्रोटॉन में। तो फिर कंफ्यूजन कि भाई करें तो क्या करें, यहां पर भी, यानी इस केस में, इस केस में, इस केस में, इन तीनों केस में जो नया वाला फोर्स मिल रहा था, तीनों में वैल्यू एकदम सेम आ रही थी। अगर मैं वहां पे 100 कह दूं, तो दूसरे वाले में भी 100 है और तीसरे वाले में 100, यानी तीनों केसेस में वैल्यू कितनी आई, नए फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 100 आ रही थी। तो कंफ्यूजन फिर से पैदा हो गया कि भाई कुछ तो ऐसा करना होगा, या हमें कुछ फाइंड आउट करना होगा जिससे हमें पता चल पाए कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा है, प्रोटॉन का कौन सा है, या फिर उनके पेयर का कौन सा है। तो चीजें आगे बढ़ी, जब इसको कैलकुलेट किया गया तो पता चला कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, यानी यहां से वैल्यू सेम थी, तो यहां से जजमेंट ले लिया गया कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है, उतना ही चार्ज किस पर होगा, प्रोटॉन पे होगा। इसका मतलब हुआ कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, वही चार्ज किसका होगा, बोलो, प्रोटॉन का। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की, सेम आएगी। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन फिर वही बात आती है कि कितना, यानी वैल्यू सेम हो गई, यानी यहां फोर्स सेम हो गया, फोर्स से हमें इसके ऊपर जो चार्ज आने वाला था उसकी वैल्यू सेम हो गई। अब ये वैल्यू कितना सेम हो गई, सेम है तो कितनी है, तो जब इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, तो यहां से प्रॉपर्टी यहां से डेवलप होती है। हम कहते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई 1.6 टेन टू पावर क्या हो गया, -19 ऑफ कूलम। फिर कंफ्यूजन, भाई इस चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन का मानेंगे या इस चार्ज को प्रोटॉन का मानेंगे, क्योंकि वहां पे फोर्सेस की वैल्यू तो क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। तो फिर यहां पे क्या किया गया, साइन कन्वेंशनली, यानी हमने यहां पे दो साइन इस्तेमाल किए, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोल दिया गया कि चार्ज कितना होगा, -1.6 10 टू पावर -19 कूलम का होगा, और प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होगा, प्लस का 1.6 10 टू पावर -19 कूलम का होगा। या फिर हम डायरेक्टली एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये वैल्यू जो है ई और पी, ये हमारे लिए क्या हो जाती है, इसी वैल्यू की दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, मिनिमम चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिनिमम चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे बेसिक्स पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है, जो कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज पाया गया वो सबसे बेस पे, यानी पहला पार्टिकल होगा, यानी और पार्टिकल दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा होगा, तो इलेक्ट्रॉन वाला क्या होगा, स्टार्टिंग इलेक्ट्रॉन से होगी, तो क्या होगा, वो मिनिमम कहलाएगा। यानी अगर किसी बॉडी पे हम कहते हैं कि चार्ज है, जब हम चार्ज की बात कहते हैं, तो कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज कितना होगा, 1.6 10 टू पावर -19 कूलम का। अब यहां से आपके पास, यहां से कहते हैं कि चार्ज पता चल गया हमें, चार्ज किसके ऊपर है, या तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर है या फिर प्रोटॉन के ऊपर है, इसकी वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस 1.6 10 टू पावर क्या आया, -19
19 कूलाम का आया। हम यहां से बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी की, तो कहते हैं चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही है और प्रोटॉन का भी चार्ज यही है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐसे बना दूं, लो भाई ये इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर ये चार्ज है, तो इसका अपना कुछ मास तो होगा ही होगा। यानी ये प्रॉपर्टी था भाई कि जब पहले इसका क्या आएगा, ये खुद आएगा, और खुद आएगा तो मतलब क्या आएगा, मास आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना जो मास लेकर रहेगा तो उसके ऊपर, यानी पहले इलेक्ट्रॉन होगा फिर उसके ऊपर क्या आएगी, प्रॉपर्टी आएगी। तो हम ऐसे कह सकते साइमल्टेनियसली, यानी जहां मास होगा वहां पे क्या होगा, एटम होगा, और जहां एटम होगा वहां पे क्या होगा, चार्ज होगा, क्योंकि यह तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन वहां होगा ही होगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी में कहते हैं चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास, बिना मास के चार्ज नहीं होता। यानी क्या कहेंगे, मास होगा तब चार्ज होगा, क्योंकि मास का होने का मतलब क्या है, किसी स्ट्रक्चर का होना, मास होगा देन उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। मास का होना मतलब एटम का होना, और एटम का होना मतलब किसका होना, पार्टिकल्स का होना। पार्टिकल कौन कौन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन। तो हमारे जो पार्टिकल हैं तो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उनके ऊपर चार्ज पाया जाएगा। अगर मैं पीछे वाली स्लाइड पे वापस चलूं तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कि आपके पास जो न्यूट्रॉन वाला हिस्सा था इस पे फोर्स, जो नया फोर्स था वो देखने को ही नहीं मिला। और नया हिस्सा जब देखने को नहीं मिला, यानी जो आपके पास नया इस पे जो फोर्स था, नए फोर्स का जो हिस्सेदारी थी वो थी नहीं यहाँ पे, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इसके जितने कॉम्बिनेशन थे किसी में भी नहीं था, इसका मतलब पक्का कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन पे जो नई प्रॉपर्टी डेवलप हुई जिसे हमने चार्ज बोला, वो इस पे होता ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पाई नहीं गई, इसलिए न्यूट्रॉन का चार्ज हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो आगे जितना भी हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन का डिस्कशन नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक के अंदर पार्ट है सारी प्रॉपर्टी मोस्टली चार्ज के ऊपर डिपेंड करने वाली है, और चार्ज के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो जहां हम चार्ज की बात करेंगे वहां इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या एटम की भी बात करेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की अगर बात ना करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, क्योंकि कोई भी चीज अगर बनती है तो एटम से बनेगी, और एटम में क्या होगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तो होगा ही होगा, लेकिन हम उसका डिस्कशन का पार्ट नहीं है अभी। तो हम उसको क्या करेंगे, ना भी बोला जाए तो उसे आप क्या करने का, इग्नोर करने का। यानी हमारे पास यहां से क्या पता चल गया कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, यानी एसोसिएट विद द मैटर, यानी किसी मैटर के साथ जो प्रॉपर्टी एसोसिएट है और जिसने उसको बनाया है, जो कि क्या शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक, यानी एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा या इलेक्ट्रिसिटी जो आएगी वो, या मैग्नेटिज्म जो आएगा वो सब किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, या वो किसके साथ चलेगा, चार्ज के साथ। यानी इलेक्ट्रिक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब कहीं ना कहीं किसके साथ रिलेटेड हैं, चार्ज के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहां से हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी इसी के अंदर एक नया टॉपिक आएगा जिसे हम सब टॉपिक बोलते हैं, बोल सकते हैं प्रॉपर्टी, कि चार्ज में और क्या क्या खूबी होगी, जो कि हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि चार्ज की और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। इज इट क्लियर? तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से लेते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास जो चार्ज हो रहा था वो दो टाइप का आ रहा था, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो कि हमने क्या किया था, माना था। क्यों माना था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स आया था, यानी जो नया फोर्स था जिसका वैल्यू कितना था, मैं अगर 100 कह दूं तो प्रोटॉन के बीच में भी वही था, और आपके पास इनके कॉम्बिनेशन जब भी यही रखे जा रहे थे तब भी वैल्यू क्या थी, सेम थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन का होगा और कौन सा
प्रोटॉन का। तो वहां पे हमने क्या किया, इसको दो टाइप में डिवाइड कर लिया कि भाई एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से ये एक तरीके से क्या है, कन्वेंशन था, यानी हमारे लिए ये क्या बना दिया गया, एक कन्वेंशन बना दिया गया। कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ, ये कन्वेंशनली है, इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रॉन को बोल दिया गया नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को क्या बोल दिया गया, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये एक तरीके से मानी हुई चीज है कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव। अदरवाइज तो दोनों पे वैल्यू क्या आई थी, सेम आई थी। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज जो होता है हमारा वो कंजर्व है। इसका जो टर्म है, ये टर्म बेटा हमारा जो है वो बेसिकली यूनिवर्स के लिए है, कि इसका मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में जितना भी हमारे पास चार्ज होगा उतना क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं एनर्जी का, कहते एनर्जी जो होती है, एनर्जी वो क्या है, कंजर्व है। क्या है, कंजर्व। मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी बाइक में मान लीजिए कि क्या रन कर रहे हैं, पेट्रोल को जला रहे हैं, तो एक पेट्रोल के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सब क्या हो रही है, अलग अलग फॉर्म में जा रही है। कौन कौन से फॉर्म में, वर्क हो रहा, वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा, यहाँ पे आपके पास साउंड हो रहा है, और आपके पास क्या हो रहा यहाँ पे, और ये अननेसेसरी नॉइज, ये सारी जितनी इन फॉर्म आप गिन सकते हो। तो पेट्रोल में जितनी भी एनर्जी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या हो जा रही है, कन्वर्ट हो जा रही है। तो यूनिवर्स के लिए वो पहले इकट्ठी एनर्जी रखी हुई थी, अब वो बहुत सारे फॉर्म में बट गई। तो एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, वो यूनिवर्स के लिए कहा जाता है। लेकिन हमारे लिए तो एनर्जी क्या होती है, लॉस भी होती है और गेन भी होती है। जैसे कि मान लो हम खाना खाते हैं तो गेन हो गई, थोड़े टाइम में अपने आप बॉडी क्या कर देती है, लॉस कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है, पूरा से नहीं, छोटे छोटे क्या है, होल बने हुए। ऐसे चार्ज भी यूनिवर्स के लिए क्या है, कंजर्व है। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स एक एटम है बहुत बड़ा सा, अगर मैं ऐसा कह दूं, तो आप कहोगे कि एटम की कंडीशंस हमें पता है कि कोई भी एटम क्या होता है, जितना प्लस से बना होता है उतना ही किससे बना होता है, माइनस से बना होता है। तो ओवरऑल क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम यहां से यहां ले जाए या यहां, यानी जितना यूनिवर्स पे चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो चार्ज, यानी हमारे पास जो पॉइंट है, चार्ज इज कंजर्व, ये कहा गया यूनिवर्स के लिए। यूनिवर्स, अब किसी सिस्टम में ऐसा नहीं होगा, सिस्टम चार्ज गेन भी करेगा और लॉस भी करेगा। तो किसी सिस्टम की बात करोगे तो ये डिफर करेगा, बट यूनिवर्स के लिए क्या रहता है, कंजर्व। अगली प्रॉपर्टी है, चार्ज विदाउट मास कैन नॉट एग्जिस्ट। हमने इस चीज के बारे में बात की थी कि चार्ज किस पर पाया जाता है, चार्ज या तो इलेक्ट्रॉन पे पाया जाता है या फिर किस पर पाया जाता है, प्रोटॉन पे पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा, तो जब भी चार्ज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, जिसका मैंने आपने पिछली बार कहा था कि ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने इंसान बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर इंसान है तो चार्ज तो बाद में आएगा ना, पहले तो इंसान है, तो इंसान है तो इसके ऊपर क्या होगा, कहीं ना कहीं मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूं तो हमें पता होता है 9.1 × 10^2 क्या होता है, -31 ऑफ क्या होता है, kg। ये हमारे पास स्टैंडर्ड मास, यानी मास ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो सबसे छोटा चार्ज होता है, यानी जो पहला चार्ज होगा, जिसे हम मिनिमम चार्ज भी कहते हैं, जो कि आगे आएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा। तो हम प्रॉपर्टी में लिखते हैं कि चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगली प्रॉपर्टी आपके पास आएगी, आपके पास अगली प्रॉपर्टी है बेटा, चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन इट मूव विद सम वेलोसिटी। यानी चार्ज को अगर कहीं मूव करा दो तो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। इसका मतलब है कि आप यहां से किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराया, जिसके ऊपर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके ऊपर चार्ज जो भी रहेगा, अगर आप किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाओगे तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टी क्यों आई है, क्योंकि मास के साथ ऐसा नहीं होता। हम कहते कि मास अगर मूव करता है तो यहाँ पे मास क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। यानी यहाँ पे मास एम होगा तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा, हो सकता है डिफरेंट मास हो जाए, डिफर कर जाता है। ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि अगर हम मूव करते तो हमारे मास में क्या आता है, चेंजिंग आते हैं। अब वो रिलेटिविटी की थियरी के अंदर पता चलेगा कि मास कैसे चेंज होता है। हमने एक रिलेशन देखा है आइंस्टाइन वाला, ई इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू सी स्क्वायर। यानी एनर्जी और मास क्या होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए नहीं होता देखा जाए, क्योंकि हम बहुत कम स्पीड से चल रहे होते हैं, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000, इतना नहीं।
हमें सी की स्पीड से अगर मूवमेंट मिलते हैं तो मास में क्या मिलते हैं, चेंजिंग मिलते हैं। सी जो होता है जो सी सी यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान से देखना है, ये बहुत लार्ज स्पीड होती है। इसकी बात अगर मैं करूं तो जो सी हमारा अकेले होता है वो होता है 300,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में सी हमारे लिए कितना काउंट होता है, अगर इसको आप कन्वर्ट करोगे तो आता है 300,000 किलोमीटर इन 1 सेकंड। तो ये पॉइंट इसलिए यहाँ पे डाला गया कि चार्ज अगर कभी मूव करता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता, जबकि मास में अक्सर क्या देखा जाता है कि मूवमेंट हो तो क्या होता है, हो सकता है बदलाव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये नॉर्मल स्पीड पे नहीं होता। नॉर्मल स्पीड पे हम मास भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की भी क्या ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए कहा गया, ये रिलेटिविटी के लिए कहा गया कि भाई अगर कोई चीज तेज दौड़ेगी तो मास में जिस तरह क्या आता है, चेंजिंग आते हैं, क्या चार्ज में भी चेंज आएगा, तो आंसर क्या होगा, नो चेंज। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं बेटा। अब जैसा कि हमने देखा कि मिनिमम चार्ज किस पर होगा, इलेक्ट्रॉन पर होगा, तो हमारे पास जो हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट था कि भाई इनके बीच में एक नया फोर्स मिला था, और जो नया फोर्स मिला था उस फोर्स को आगे चल के इलेक्ट्रिक फोर्स बोला गया, लेकिन उसी फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया गया। F इक्वल टू कितना होता है, हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है K Q1 Q2 / R2। जिनको ये फॉर्मूला नहीं पता कोई बात नहीं, आप इतना समझ लो कि फोर्स हमारे पास होता है, डिस्टेंस हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेंगे, K इज अ कॉन्स्टेंट, तो यहां से जो चार्ज है उसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चार्ज की जो वैल्यू आती है, अगर हम सबसे पहले छोटा चार्ज होगा तो क्या रखना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे या फिर प्रोटॉन रखने पड़ेंगे। तो यहां से E की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितना निकल के आती है, 1.6×10^2 क्या आता है, -19 ऑफ कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहां से जब हम कहते हैं कि प्लस अगर कह दें तो वो किसके लिए हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, और नेगेटिव कह दें तो किसके लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E = P = क्या लिख सकते हैं, 1.6×10^-19 ऑफ कूलम। ये 19 मत बदल देना है, कुछ लोग क्या करते हैं ये वाला साइन को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव है, ये नहीं है। ये जो साइन होता है पावर वाला ना, इसका अपना अलग ही मतलब है। पावर वाले साइन का मतलब बेटा होता है -2, जैसे लिखा है इसका मतलब होता है 1/100। तो इसका मतलब है कोई भी एक चीज है उसके आपने टुकड़े कितने टुकड़े कर दिए, इसके आपने 100 टुकड़े कर दिए और एक हिस्सा दिया, इसका मतलब है कि वो वैल्यू कम हुई है। इस नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वैल्यू होना नहीं होता, तो नेगेटिव वैल्यू करने के लिए हमें यहाँ प्लस या फिर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये वाला प्लस आपको बताएगा प्रोटोन के लिए, और नेगेटिव किसके लिए बताएगा, फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये तो यानी इतना हिस्सा सबके लिए क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन हो या फिर प्रोटॉन हो। तो सबसे पहला चार्ज या सबसे छोटा चार्ज जिसे हम क्या लिखे हैं, या आप क्या लिख सकते हो, मिनिमम चार्ज इज 1.6×10^-19 कूलम। आगे बात करते हैं, देखो अगली आपके पास प्रॉपर्टी यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो यूनिट है जिसकी मैं बात कर चुका हूँ, क्या यूनिट है, कूलम यूनिट है इसका। ये ऐसा यूनिट, हम जितने भी यूनिट की बात करते हैं ऐसा यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि यही हमें सिस्टम फॉलो करना होता है। लेकिन इसका एक और यूनिट होता है ESU, जो कि CGS यूनिट होता है। बस ऐसे ध्यान रखना, इसका कोई बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि हम सबको पता है कि हम कौन से सिस्टम को फॉलो करते हैं, हम SI सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे कूलम इज द यूनिट ऑफ क्या हो जाएगा, चार्ज। अब ये क्या एक प्रॉपर्टी है, और ये किस टाइप की प्रॉपर्टी निकल के आई, ये एक स्केलर टाइप की प्रॉपर्टी निकल के आई, यानी इसको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ वेक्टर का कोई भी रूल नहीं लगेगा। जो हम वेक्टर में रूल पढ़ते हैं वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट इज अ सिंपल ए नंबर सिस्टम जैसा, जो जैसा कि हमें 5th-6th में सिखाया जाता है ना कि नंबर ऐड कैसे होते हैं, उसी अंदाज में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी की, कहते हैं ये कमाल की प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होगी, ये आपके पास मेन हेडिंग भी हो सकती है, या फिर आप अगर बोर्ड एग्जाम आप देने वाले हो तो ये प्रॉपर्टी समझ लो कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछी जा सकती है, क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन में क्या होता है, क्वांटाइजेशन टर्म समझ गए तो आप ये समझ जाओगे। तो क्वांटाइजेशन को पहले समझो, व्हाट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी चीज का क्या होना, होल नंबर में होना, किसमें होना, कंप्लीट नंबर में होना। एग्जाम्पल जैसे मेरे पास देखो ये पेन है, तो आपके पास जो भी पेन है वो एक हो सकता है, आधा पेन परचेज करना अलाउ
नहीं है, यानी एक पेन आप ले सकते हो, दो ले सकते हो, डेढ़ लेना अलाउ नहीं है। एक दो चार छ आठ दस, तो बेसिक हुआ एक, लेकिन उसके बहुत सारे पेन ले सकते हो आप। तो जो पहला वाला पेन है वही तो रिपीट होगा, यानी एक जैसे आइडेंटिकल आपने लिए पांच दस पंद्रह, तो आपके पास डेढ़ अलाउ नहीं है, ढाई अलाउ नहीं है, साढ़े तीन अलाउ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वो होल नंबर में होगा। होल नंबर का मतलब हुआ कंप्लीट नंबर होगा, यानी एक चीज हो सकती है, दो हो सकती है, दस हो सकती है, पंद्रह हो सकती है, पंद्रह पॉइंट फाइव नहीं हो सकता, फिफ्टीन पॉइंट क्या नहीं हो सकता, सिक्स नहीं हो सकता। यानी आधा करना जिसे अलाउ ना हो, जिसको तोड़ना अलाउ ना हो, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन कहलाता है। क्वांटाइजेशन हम कई जगह पर स्टडी करते हैं, लेकिन एक टर्म समझो, क्वांटाइज का मतलब किसी चीज का किस में होना, होल नंबर में होना। होल नंबर से मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसका फ्रैक्शन क्या ना हो, अलाउ ना हो। अब यहां पे लिखा है चार्ज इज क्वांटाइज, इट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई। अब समझते हैं भाई कि चार्ज किस तरीके से क्या है क्वांटाइज और किस तरीके से क्या है इंटीजर मल्टीपल है। देखो जरा, अगर हम किसी बॉडी की बात करते हैं चार्ज की, तो कैसे बॉडी में चार्ज आता है, कैसे बॉडी क्वांटाइज होता है चार्ज, तो वो सारी चीजें समझते हैं। पहले क्वांटाइजेशन का मतलब समझो क्या होगा, किसी चीज का कंप्लीट होना, होल नंबर में होना, एक दो पांच दस साढ़े दस नहीं चलेगा। तो यहां से बात करते हैं हम किसकी, क्वांटाइजेशन की। अब हमें देखना है कि चार्ज किस तरीके से क्वांटाइज होता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछूं क्या मास क्वांटाइज है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाए क्या मास क्वांटाइज है, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, ये तो हमारे पास 10.5 भी हो सकता है, डेढ़ केजी, दो केजी, ढाई केजी, पौने दो, एक ग्राम, दस ग्राम, सब होगा। लेकिन आंसर होता है यस, मास कैसा होगा, ये कैसा है, यस इट इज क्वांटाइज्ड। अभी किस चीज का क्वांटाइज होता है, क्या डेढ़ केजी हम नहीं लेंगे, लेंगे बिल्कुल, ढाई केजी नहीं लेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे कुछ, नहीं, मास के अंदर जाओ, मास के अंदर जाओ तो इसके स्ट्रक्चर को देखो, इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो आप डेढ़ केजी भले लो, 1.5 केजी आप लेके आए, लेकिन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो तो होल नंबर में होंगे ना, यानी जो एटम होंगे वो तो होल नंबर में होंगे, एटम को काटना अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये जो मास जो आप डेढ़ केजी लेके आए, उसमें जितने भी एटम होंगे वो होल नंबर में होंगे, तो हमारा मास किसका क्वांटाइज हुआ, एटम का क्वांटाइज हुआ। यानी मास भी अपने आप में क्या होता है, क्वांटाइज होता है, लेकिन वो केजी का नहीं है, वो किसका क्वांटाइज है, एटम का क्वांटाइज है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटाइजेशन एक टर्म है जो कोई नई चीज नहीं है, इट इज एट एनी नंबर या एनीथिंग विच इज इन होल नंबर। अगर मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल उठाऊं तो मैं पैसे का एग्जाम्पल उठा सकता हूँ आज की डेट में। पैसे हमारे जो रुपया होते हैं वो आप क्वांटाइज हो गए हैं, किसके, एक रुपए के। देखो सारा, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक रुपए के नीचे वाले जो पैसे थे, दस पैसा, बीस पैसा, पचास पैसा, वो सब बंद कर दिए। पुराने जमाने में हमारे पास दस पैसा बीस पैसा चला करते थे, लोग छुपा के रख लेते थे। स्पेशली आप अगर लेडीज लोग को देखोगे तो कितने सारे कॉइन उन्होंने छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी सब बंद कर दिए। सबसे छोटा बेसिक यूनिट अभी क्या बोला कि एक रुपए होगा, दो रुपए होंगे, दस होंगे। अगर मैंने कहा दस रुपीज है तो वो किससे मिलके बना होगा, एक एक रुपए के कितने कॉइन लगा दो, दस कॉइन मिले होंगे तभी तो होगा। तो आज के डेट में जो रुपए है वो क्वांटाइजेशन का, एक रुपए का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आप क्वांटाइजेशन किसका, यानी क्वांटाइजेशन टर्म समझ में आ गया होगा, या क्वांटाइज प्रॉपर्टी, जो क्वांटाइजेशन, ये हेडिंग ले सकते हो आप एनसीईआरटी या दूसरी बुक्स में, इसमें हेडिंग ले कर रखा होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब समझते हैं, देखो जरा, पहले तो हम चार्जिंग समझते हैं बॉडी में किस तरीके से चार्ज आता है, और फिर हम क्वांटाइजेशन देखेंगे। देखो जरा इसके अंदर कि अगर हमारे पास कोई एक एटम है, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर जो सेंटर पार्ट है, अगर इसमें टू प्रोटोन है और दो ही इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, और न्यूट्रॉन में कितना भी दिखा दूं या ना दिखाऊं वो हमारी प्रॉपर्टी, क्योंकि न्यूट्रॉन के लिए दिखाना ना दिखाना कोई काम का नहीं है यहाँ पे, बट वो रहता है। मैंने जो इस तरीके का एटम लिया है, अंदर का हिस्सा आपका न्यूक्लियस कहलाता है, ये ऑर्बिट है। अब देखो यहाँ दो प्लस है, यानी दो प्रोटॉन है और दो ही क्या इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अब इसी बॉडी के ऊपर मैंने अपनी मर्जी से क्या किया, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज की बात करूं यहाँ पे, तो इसमें चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। यहां से प्रॉपर्टी निकल के आती है कि किसी बॉडी पे चार्ज जीरो है,
इसका ये मतलब नहीं कि उसमें पार्टिकल्स नहीं है, उसके पार्टिकल्स हैं, तो जितने प्लस वाले हैं उतने ही क्या है माइनस है, यानी उस पर नेट चार्ज जीरो है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो हम चार्ज की बात करते हैं वो एक्स्ट्रा चार्ज की बात करते हैं, बॉडी है तो एटम है, एटम है तो क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है, यानी जब हम चार्ज जीरो की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि उसको जो एक्स्ट्रा चार्ज आना था वो नहीं है। तो देखो यहाँ दो प्लस है दो माइनस कट पड़ के क्या हो रहा है जीरो हो रहा है, यानी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ये जीरो का मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा चार्ज था, एक्स्ट्रा चार्ज वो क्या हो गया जीरो हो गया। अब हमने क्या किया, इंसान तो इंसान होता है ना खुरापात करता रहता है, क्या किया यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया इसको छोड़ दिया। जब इसको थोड़ा सा छेड़ोगे तो आपने क्या किया, ये एटम ऐसे ही था, आपने क्या कर दिया यहाँ पे जो जैसे था आपने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहले से पड़े हुए थे, एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर आपने कहीं से लाके रख दिया। अगर इलेक्ट्रॉन आप कहीं से भी लाके यहाँ पे रख दोगे तो ये वैल्यू आप क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसी के लिए हम अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें कहीं से रख सकते हैं तो इससे भी निकाल भी तो सकते हैं, तो यही काम यहाँ पे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भगा दो। और आपने अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगाया तो देखो यहाँ आपके पास जो स्ट्रक्चर था उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर था, और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया आपने यहाँ से एस्केप कर दिया, यानी भगा दिया, यानी ये हट गया। तो देखो जरा यहाँ पे टू प्लस बैठा है और ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस, यानी एक प्लस और एक माइनस को खत्म कर देगा तो एक प्लस यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। जरा ध्यान से देखो उसमें, अगर ध्यान से मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन आया है तो बॉडी क्या हो गई नेगेटिव हो गई, और इलेक्ट्रॉन गया है तो बॉडी क्या हो गई पॉजिटिव हो गई। सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही है। अंदर वाले हिस्से का मूवमेंट नहीं होता, हम सबको पता है कि अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस, वो इतना फ्री नहीं है कि वो निकल सके, और उसको निकालना आसान नहीं है, उसको निकालने का मतलब है तबाही मचाना। हमने सुना हो ये न्यूक्लियस होता है, इसको ब्रेक करना, जो हमारे बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उनमें जो प्रोसेस होती है इसी ही टूटता है, इसमें बहुत सारी एनर्जी ब्रेक होती है या एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है या रिलीज होती है। इसकी पूरी थियोरी यानी इसके पूरे कॉन्सेप्ट अलग है, इसको तोड़ने के रूल ही अलग है। इन शॉर्ट हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अंदर वाला हिस्सा इतनी जल्दी टूटता नहीं है, उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट रहता है। सारा खेल हमारे लिए किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में आएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बॉडी से जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। और बॉडी में अगर जीरो चार्ज है इसका मतलब जितना प्लस रहा होगा उतना ही क्या रहा होगा माइनस रहा होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है एटम से, तो एटम होगा तो ये पार्टिकल होंगे ही होंगे। तो इन शॉर्ट ये है कि जीरो होगा तो उसके बाद प्लस माइनस इक्वल है, एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है, अगर नेगेटिव है तो उतना एक्स्ट्रा और पॉजिटिव है तो उतना कम है। इसकी दूसरी लैंग्वेज इसका क्या कहते हैं, ये एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये वाला जो है जो आपके पास ये जो बॉडी नेगेटिव चार्ज है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया कम हो गया, यानी डिफिशियंट हो गया। यानी नेगेटिव चार्ज बॉडी जो होती है वो क्या होती है एक्सेस ऑफ क्या होगा इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होगी डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख लेने का स्टेटमेंट आएगा, आप इसको यूज कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या होगी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या होगी डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी चीज को एक और अंदाज में कह सकते हैं, ये बॉडी क्या है एक्सेस ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन, इसमें ज्यादा है तो प्रोटॉन क्या होगा कम होगा, यानी प्रोटॉन की यहाँ पे क्या है कमी है, यानी प्रोटॉन की कमी है मतलब प्रोटॉन का क्या हो गया डिफिशियंट हो गया। यानी इसी चीज को दो तरीके से कह सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन आया था इसी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, ये ऐसी बात हो गई। एक चीज को कहने के दो तरीके, तुम उससे बड़े हो या वो तुमसे छोटा है, दोनों बात एक ही चीज को बता रही है लेकिन कहने का अंदाज अलग अलग। यानी इसमें मैं क्या कहूंगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट में आएगा तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी ध्यान क्या रखना है कि निगेटिव चार्ज बॉडी का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और प्रोटॉन कम है, लेकिन सच्चाई है कि प्रोटॉन कभी मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन आया होगा उसमें। ओके, तो यहां से हमने चार्जिंग देख लिया कि किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आए या फिर निगेटिव चार्ज आए या जीरो चार्ज हो उसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से वो आता है। यहां से बात करते हैं हम किसकी क्वांटाइजेशन की। तो देखो जरा हमारे पास कोई भी बॉडी है ये न्यूट्रल है, अगर हम इस बॉडी पे मान के चलो इस पे स्टार्टिंग में क्या है जीरो चार्ज है, यानी ये आप कह सकते हो कि अगर दो प्लस है और दो ही क्या है
माइनस है, न्यूट्रॉन होगा जिसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। आपने क्या किया, बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन कहीं से रख दिया, तो चार्ज कितना होगा, ई होगा। एक और इलेक्ट्रॉन आपने रख दिया तो चार्ज क्या होगा, ई प्लस ई, यानी दो इलेक्ट्रॉन रख गए तो क्या हो जाएगा, टू ई हो जाएगा। आप एक और रख दो तो ई प्लस ई, दो पहले से थे, एक और रख दिया तो क्या हो गया, थ्री ई हो गया। यानी पहले नंबर पे क्या रखा आपने, ई रखा, दूसरे पे क्या रखे, टू ई, तीसरे पे थ्री, चौथे पे क्या हो जाएगा ऐसे ही फोर ई, पांचवें नंबर पे क्या हो जाएगा फाइव ई। आपने सौ रख दिया तो क्या हो जाएगा, हंड्रेड ई। अब ऐसे तो हम जितने रखते जाएंगे ये ऐसे बढ़ता जाएगा, तो आपके पास जो ऐसे नंबर बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वन ही पहला, टू ही दूसरा, थ्री फोर, तो ऐसे अगर मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊं, यानी आपके पास ई आया, दूसरा क्या आया टू ही आया, तीसरा क्या आया थ्री ही आया, चौथा रखोगे तो क्या हो जाएगा फोर ही। कॉमनली अगर आप आगे बढ़ते जाओ तो इसे हम लिख सकते हैं एनी, ये बॉडी का क्या हो गया चार्ज होगा, क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास एनी हो गया। जहां पे एन अपने आप में क्या होगा, एन एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि नंबर कौन सा होगा, यहां से स्टार्ट करो वन टू थ्री, यानी होल नंबर होगा, यानी एन की वैल्यू क्या हो सकती है वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन। क्यू इक्वल टू क्या हो गया एन ही हो गया, यानी आपके जो बॉडी पे चार्ज आ रहा, देखो ये वन ही है, टू ही है, थ्री ही है, फोर ही है, तो हर एक केस में क्या हो रहा, ये नंबर तो आ रहा है लेकिन ई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और जो नंबर है वो कैसे नंबर है, होल नंबर है, यानी कोई इंटीजर रहा होगा। यही प्रॉपर्टी कह रही है, चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज होता है इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्या है ई, यानी हर बार वो कहीं ना कहीं ई का मल्टीप्लाई होगा, यानी ई होगा और वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई नंबर होगा, और यही किसी बॉडी पे क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा। यानी हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आई, क्यू इक्वल टू क्या आया एनी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चंस में, ज्यादातर केस में इस चार्जेस के क्वेश्चन में क्यू इक्वल टू एनी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये कमाल की प्रॉपर्टी है। हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पहले एक बार फिर देखेंगे कि भाई क्यू इक्वल टू एनी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और कि भाई क्यू इक्वल टू एनी तो हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे पता चलेगा, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो देखो यहाँ से इस चीज को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि क्यू इक्वल टू एनी किस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो देखो जरा, अगर हम यहाँ पे आपको जो ई है या फिर पी है, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी कितना, प्लस माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹। बोला हमारे पास दो चॉइस है, या तो मैं ई को हर बार नेगेटिव लू और पी को हर बार क्या लू पॉजिटिव लू, पहली चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरी चॉइस की मैं लैंग्वेज पकड़ लू, और लैंग्वेज अगर मैंने पकड़ लिया तो मुझे हर बार ये नेगेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा प्लस से ही काम हो जाएगा। नेगेटिव की जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, और नहीं पड़ेगी तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। कैसे, समझो जरा इस चीज को। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या रहा है, सपोज करो किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब मैंने कह दिया कि एन की वैल्यू सपोज कर लो एन इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए रिमूव हो गए, क्या हो गए रिमूव। अब रिमूव का मतलब क्या हुआ कि बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे, भाग गए होंगे। इलेक्ट्रॉन भागे तो बॉडी कैसे चार्ज हो गई होगी, पॉजिटिव। तो हम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि उसका लू क्या करेंगे एनी, एन की वैल्यू कितनी है 500, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या है −90। माइनस माइनस यहां कोई जरूरत नहीं है, देखो कैसे साइन को इस्तेमाल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हुआ, ये आपके पास पॉइंट है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो केवल फाइव के साथ तो क्या आएगा 80 आएगा, 80 का पॉइंट लगा हुआ है तो जीरो खा जाएगा, यानी आप साइड में करना है तो साइड में कर सकते हो। 5 × क्या आएगा 1.6, इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 80 आएगा, जो कि पॉइंट के साथ आएगा तो 8 हो गया बेसिकली, तो ये आ गया 8, और दो जीरो जो है वो इसके साथ ले लो तो 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा, दो जीरो यहाँ पे कम हो जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा 17 कूलम का, ये आपके पास चार्ज आ गया। अब बात ही आती है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो
तो ये चार्ज कैसा लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे हमें कैसा चार्ज लगाना होगा, यानी यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो प्लस में लिखी जाएगी। रिवर्स भी तो हो सकता था, इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ जाए तो कैलकुलेशन यही रहेगी, आए हैं तो मतलब क्या होगा, बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई होगी, क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉडी क्या होगी, नेगेटिव। तो कैलकुलेशन यही होगी, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लैंग्वेज हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। दो तरीका है, तो साइंस से चलो या फिर हम क्या लैंग्वेज याद रखेंगे। लैंग्वेज क्या है कि बॉडी में इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तो बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव। तो फॉर्मेट यही है, क्यू इक्वल टू एनी, कोई भी रिजल्ट नहीं बदलेगा। बट क्या है, साइन यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज से हमें पिक करें तो बेहतर होगा। बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकले तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, तो कैलकुलेशन यही रहेगा क्या होगी। यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, आप यहाँ माइनस लगा देते हो कभी कभी, और माइनस अगर लगाओगे तो आंसर, जैसे मान लो बॉडी में क्या हुए, इलेक्ट्रॉन आते तो हम माइनस लगाते यहाँ, तो बीच वाला माइनस कैलकुलेशन में हमेशा प्रॉब्लम करता है। जिनको कैलकुलेशन आती है उनके लिए दिक्कत नहीं है, तो आप साइन लेने का ही नहीं, लास्ट में जाके सोचने का इलेक्ट्रॉन आया है बॉडी में या फिर बॉडी से इलेक्ट्रॉन गया है। अगर इलेक्ट्रॉन आया होगा तो लास्ट वाला आंसर क्या लिखा जाएगा, आपका जो आंसर है बस उसमें माइनस लगा देना, और बॉडी से गया है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी गया है तो यानी स्केप हुआ इलेक्ट्रॉन, निकला है कहीं, गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, कहीं से ऐड किया या क्या रहेंगे, जो उस हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां से बात करते हैं हम लोग एक और स्टेप आगे बात करते हैं। कहते हैं कि चार्ज बताओ इन वन इलेक्ट्रॉन, यानी वन इलेक्ट्रॉन का क्या निकालो, चार्ज निकालो। तो सिंपली क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनी वन इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, ई की सॉरी एन की वैल्यू वन, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये नंबर होता है, क्या होता है नंबर, क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा 19। तो यहां तक दिक्कत नहीं है कि वन इलेक्ट्रॉन का पूछा जाए तो आंसर क्या लिखेंगे, 1.6, जो कि मिनिमम होता है। अब जरा समझ रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन आता है ना तो हम गलती कर बैठते हैं। मैंने कहा वन इलेक्ट्रॉन तो हमने एन की वैल्यू वन इस्तेमाल की, जो कि हमें ऑलरेडी रटा हुआ था 1.6 × 10⁻¹⁹ यही अगर कहा जाता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलाम चार्ज, तो मुसीबत खड़ी हो जाती। अब क्यों इसका भी क्या करेंगे, एनी इस्तेमाल करेंगे, हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, वन है, ये आपका वन इस्तेमाल होगा, एन आपको फाइंड आउट करना है, और ई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻¹⁹। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें मैंने आपको जानबूझ के क्वेश्चन दिया कि वन इलेक्ट्रॉन, जो आप समझो कि जब वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बात की जाती है तो एक यहाँ पे आएगा, और वन चार्ज की बात की जाती है तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे वन आएगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज इतना है, जो कि हमें पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड है। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू तो एन को यहां लो और उसको डिवाइड करो तो आएगा 1/1.6 × 10⁻¹⁹ क्या आएगा, −19। इसको ऊपर ले चलो, अगर आप इसको डिवाइड करो तो आंसर आता है 0.625, 10⁻¹⁹ क्या आएगा 19 हो जाएगा, इक्वल टू एन, एक यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो 6.25, 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 18 हो जाएगी, इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.25, 10⁻¹⁹ क्या हो जाएगा, 18 कूल नंबर आएंगे, यानी इतने नंबर क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये बहुत सारे नंबर इलेक्ट्रॉन है, 6.25 × 10⁻¹⁹, ये बहुत बड़ा नंबर है। क्या मतलब है इस चीज का समझो, तो कोई प्लस 18 था, एक इसके साथ डायरेक्ट ले लिया, यानी इसको डिवाइड किया 6.25, यहां पे देखो 19 है, ये ऊपर वाला वैल्यू, ये मैं जीरो यहां पे नहीं लगाता, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, तो यहां पे एक वैल्यू यहां पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा 6.25। अब ये आपके पास जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6.25 × 10⁻¹⁸, और 18 क्या आया, एक नंबर है ये, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे नीचे जाओ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, ये नंबर के इक्वल आएंगे,
और जब उनकी चार्ज का सम होगा तो वैल्यू जाके कितनी होगी, एक कूलम की वैल्यू होगी। तो यहां पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप आंसर चाहो तो क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि भाई एक कूलम जो होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं, 6.25 10 टू पावर क्या होगा 18 ऑफ क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इतना नंबर पे क्या मिलता है हमें, एक कूलम का चार्ज मिलता है। कई जगह इस वैल्यू को क्या करना होता है हमें, डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है। तो आप अगर इसको लर्न कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वन कूलम और वन इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज मत होना। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते तो एन वन, जो कि हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है, जब कूलम की बात करते तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी, और ये डिवाइड होगा, डिवाइड होकर क्या आता है 6.25 10 टू पावर 18। आज के लिए यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम और चार्ज की प्रॉपर्टी देखेंगे कि चार्ज किस तरीके से मूवमेंट, यानी चार्ज किंग चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, शेयरिंग ऑफ चार्ज, ये सारी प्रॉपर्टी हम कहाँ देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।